महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनसीपी और शिवसेना के रवैये से कांग्रेस नाराज है। सरकार में भी कांग्रेस की अनदेखी की गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से एनसीपी और शिवसेना मिलकर यूपी के अध्यक्ष पद पर शरद पवार को बैठाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। इसके अलावा हाल के दिनों में शरद पवार द्वारा राहुल गांधी पर किए गए कमेंट को लेकर भी तीनों दलों में मतभेद है। इन सब के बीच अब शिवसेना कांग्रेस को मनाने में जुटी है। शिवसेना को उद्धव ठाकरे की कुर्सी की चिंता होने लगी है, जिसकी वजह से शिवसेना सांसद संजय राउत ने कांग्रेस की जमकर तारीफ की है। शिवसेना ने शुक्रवार को बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में जो लोग कांग्रेस के योगदान पर लगातार सवाल खड़े करते हैं, उन्हें 1971 के ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में जानना चाहिए, जब पाकिस्तान को परास्त करके बांग्लादेश का निर्माण हुआ। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि मौजूदा समय में चीनी और पाकिस्तानी बल भारत के साथ लगती सीमाओं पर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। 50 साल पहले पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया था, आज के बारे में क्या कहना है। अनुच्छेद 370 को खत्म किए एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है। संपादकीय में 1971 के युद्ध को रोमांचक और प्रेरणादायी करार दिया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जीत हासिल किए हुए इस साल 50 वर्ष पूरे हो गए और ये इंदिरा गांधी की कूटनीतिक और रणनीतिक फैसलों के ऐतिहासिक घटनाक्रमों को याद करने का समय है। हालांकि शिवसेना भले ही इस समय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तारीफ कर रही है, लेकिन यही संजय राउत ने इंदिरा गांधी के बारे में कुछ दिन पहले ऐसा बयान दिया था कि कांग्रेसी ही नाराज हो गए थे। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बचाने के लिए राउत इंदिरा के साथ कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ममता की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह के बंगाल पहुंचने पर सियासत गर्म हो गई है। पहले से ही टीएमसी नेताओं के बगावती तेवर से ममता के खेमे में खलबली मची हुई है, लेकिन अमित शाह ममता बनर्जी से ही उनका सबसे बड़ा योद्धा छीनने के बाद टीएमसी सरकार को ललकारा है। इस बार का अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद शाह बंगाल पहुंचे हैं। बंगाल पहुंचते ही शाह ममता पर गरजना शुरू कर दिए हैं। शाह ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। शाह इसके अलावा प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर ममता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दीदी कहती है कि बीजेपी सभी दलों से दल बदल करती है। मैं दीदी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी मूल पार्टी भी कांग्रेस ही थी। ये तो सुगबुगाहट है। जिस प्रकार की सुनामी मैं देख रहा हूं, वैसी ममता बनर्जी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि ये जो लोग बीजेपी में आ रहे हैं, कभी माँ माटी मानुष के नारे के साथ आगे बढ़े थे, आज इन लोगों का मोह भंग हो गया। अमित शाह की इस रैली में ममता के करीबी और प्रदेश और सरकार के पूर्व परिवहन मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ अलग अलग दलों के 9 विधायक और टीएमसी के 2 बार के सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। अधिकारी के पार्टी छोड़ने पर ममता पहले ही इमरजेंसी बैठक कर चुकी हैं, लेकिन अब अधिकारी ने ममता टीएमसी को सबसे बड़ा झटका बीजेपी में शामिल होकर दिया है। वहीं शाह अभी एक दिन और बंगाल रहेंगे। अब देखना होगा अगला टीएमसी का कौन बड़ा नेता शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामता है। लेकिन शाह के बंगाल पहुंचते ही टीएमसी को जो झटके लगे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ममता दीदी के घर में जाकर अमित शाह ने तोड़फोड़ मचा दी है। कांग्रेस नेताओं का पहले दूसरे लोगों पर आरोप लगाना और उसके बाद पलट जाना या माफी मांगना, ये पुरानी आदत है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। राहुल गांधी भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरोपों की झड़ी लगा देते हैं और उसके बाद माफी मांगते फिरते हैं। लेकिन इस बार माफी मांगने का काम वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया है। कांग्रेस नेता अक्सर एनएसए अजीत डोवाल से चिढ़े रहते हैं। मोदी से डोवाल की करीबी की वजह से कई बार वो डोवाल और उनके परिवार को निशाना बना देते हैं, लेकिन इस बार जयराम रमेश को डोवाल के परिवार पर निशाना साधना महंगा पड़ गया। कांग्रेस नेता रमेश ने आपराधिक मानहानि मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल से माफी मांगी है। विवेक डोवाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और कारमा मैगजीन के खिलाफ उनके खिलाफ एक बयान और लेख के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जयराम रमेश ने अपने जवाब में लिखा कि उन्होंने गुस्से में आकर बयान दिया था। दरअसल द कारवा नाम की एक वेब मैगजीन ने अजीत डोवाल और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल के मैन आइलैंड में हेज फंड चलाते हैं। ये हेज फंड 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की नोटबंदी की घोषणा के महज 13 दिन बाद पंजीकृत किया गया था। लेख में दावा किया गया है कि अजीत डोवाल के बेटे विवेक डोवाल एक विदेशी फंड फर्म चला रहे हैं, जिसमें प्रमोटर्स की संदिग्ध पृष्ठभूमि रही है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर विवेक डोवाल ने आपत्ति जताई थी। हालांकि मामला बिगड़ता देख जयराम रमेश ने माफी मांग ली है।
कांग्रेस में एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो अभी भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। सोनिया गांधी की डांट और फटकार के बाद भी ये नेता अभी भी राहुल से इतर किसी और को अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले साल कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है और इसमें गांधी परिवार के अलावा दूसरे नेता भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बीच सोनिया गांधी के करीबी और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के बयान पर कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीते दिनों सुरजेवाला ने बयान दिया था कि 99.99% कांग्रेसियों की पसंद राहुल गांधी ही है। सुरजेवाला के बयान पर तंज कसते हुए पार्टी के असंतुष्ट G23 समूह के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इस तरह हवा में दावे का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये दावा भी किया कि असंतुष्ट गुट के नेताओं की सोनिया गांधी से अनौपचारिक स्तर पर हुई बातचीत का सार जाने बिना सुरजेवाला ने राहुल गांधी को 99.99% पार्टीजनों की पसंद करार दे दिया, जो सही नहीं है। उधर कांग्रेस के भीतर मची खलबली पर अब सहयोगियों ने भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बिहार में कांग्रेस के सहयोगी RJD ने भी कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चल रही खींचतान को लेकर सोनिया गांधी को सलाह दी है। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि वो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के बारे में फैसला लेते वक्त पुत्र मोह को त्याग दें। तिवारी ने दावा किया कि ये साफ है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है, कोई इसका खेवनहार नहीं है। राहुल गांधी में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा उन पर नहीं है, इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। असंतुष्ट नेताओं और सहयोगियों के बयान से साफ है कि वो राहुल गांधी को अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी में बगावत हो सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC का खाता अभी से खाली होने लगा है। TMC के बागी नेता ममता को लगातार झटका दे रहे हैं। ममता की पार्टी में इस्तीफों का दौर जो शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी समेत तृणमूल के सीनियर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद बैरकपुर के विधायक शीलभद्र दत्ता और कंथी से विधायक बनश्री मैती ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही अल्पसंख्यक सेल के महासचिव कबीरुल इस्लाम के साथ ही बोलपुर निगम पार्षद अरूप रॉय और शेली रॉय भी TMC छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ इस्तीफों से परेशान ममता दीदी बैठक पर बैठक कर रही हैं। हालांकि TMC के सभी बागी नेताओं को BJP में एंट्री मिलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बंगाल BJP के कुछ वरिष्ठ नेता TMC के बागियों को पार्टी में शामिल करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में TMC से अलविदा कहने वाले जितेंद्र तिवारी ने TMC में घर वापसी कर ली है। दरअसल बंगाल BJP के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से जितेंद्र तिवारी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बाबुल सुप्रियो ने अपने पोस्ट में लिखा था, पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि जिन TMC नेताओं ने आसनसोल में BJP कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी, उन्हें BJP में एंट्री ना मिले। हालांकि सुप्रियो ने अपने इस पोस्ट में किसी भी TMC नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना कहीं ना कहीं जितेंद्र तिवारी ही थे। इस पोस्ट को देखते ही तिवारी ने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि उन्हें इस बात का पता लग गया था कि BJP में अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए बेहतर होगा कि ममता दीदी का हाथ दोबारा थाम लिया जाए। लेकिन TMC से इस्तीफा देने के बाद जितेंद्र तिवारी ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी कोलकाता का विकास तो कर रही हैं, लेकिन उनके पास आसनसोल के लिए फंड नहीं है। इस बयान के बाद अपने बयानों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पार्टी के मुखिया से माफी भी मांग ली है और कहा है कि TMC से इस्तीफा देना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन क्या जितेंद्र तिवारी की पार्टी में घर वापसी से वो सुवेंदु अधिकारी की भूमिका निभा पाएंगे? सुवेंदु के लिए BJP के दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो के बयान से साफ हो गया कि BJP TMC के ऐसे नेताओं को भाव नहीं देगी जो अब तक BJP के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया करते थे और अब राजनीतिक मौसम का मिजाज भांपते हुए BJP में एंट्री मारने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।